हेलो एवरीवन, आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में केबल टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते। सो स्टूडेंट, हमें लैंप का जो लैंप अटैच्ड है पॉइंट डी पे या फिर डी पॉइंट पे, ये लैंप लैंप अटैच्ड है स्टूडेंट, और लैम्प का आपको वेट दिया हुआ है स्टूडेंट 20 kg। सो यहाँ पे इसका 20 kg आपको वेट दिया हुआ है, और आपको डिटरमाइन करना है स्टूडेंट टेंशन इन ईच सेगमेंट ऑफ द केबल। सो आपको टेंशन फाइंड करना है ईच सेगमेंट ऑफ द केबल। तो सेगमेंट कौन कौन से स्टूडेंट देखे, एक एसी, एसी एक सेगमेंट है, देन बी टू सी, बीसी एक सेगमेंट है, देन सी टू डी एक थर्ड सेगमेंट है, देन डी टू ई ये फोर्थ सेगमेंट है स्टूडेंट। तो ऐसे सेगमेंट्स आपको फाइंड करने स्टूडेंट, इन सेगमेंट्स के आपको टेंशन फाइंड करने स्टूडेंट। तो चले अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में स्टेप वन में देखिए, स्टेप वन, सो लैंप कहाँ पे कनेक्ट है स्टूडेंट, पॉइंट डी पे। तो पहले मैं देता हूँ पॉइंट डी पे जो भी लैंप कनेक्ट है उसका जो वेट है स्टूडेंट, वेट कितना है 20 kg, वो आपको वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना है। वेट हमेशा आपको वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना, कितना है 20 kg। तो 20 को मैं 9.81 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि केजी को आपको कन्वर्ट करना होता है न्यूटन में। सो 20 को अगर आपने 9.81 से मल्टीप्लाई किया तो वो जो आंसर आएगा 196.2 वो हो जाएगा स्टूडेंट न्यूटन में। सो केजी में अगर वेट दिया हुआ होगा तो उसे आपको 9.81 से मल्टीप्लाई करना है, रो कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट न्यूटन में। सो स्टूडेंट ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट ई को भी कनेक्ट है स्टूडेंट। सो देखिए यहाँ पे ई है स्टूडेंट यहाँ पे, और ये जो डी पॉइंट है वो सी को भी कनेक्ट है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट आपका सी, राइट, ये सी और ये डी पॉइंट स्टूडेंट। सो स्टूडेंट ये आपका केबल है स्टूडेंट, तो केबल को आपको टेंशन अगर शो करना होगा तो आप देंगे आउटसाइड डायरेक्शन। ये भी एक स्टूडेंट सेगमेंट है, इस सेगमेंट को भी आपको अगर टेंशन शो करना है तो इसे भी आपको देना होगा स्टूडेंट आउटसाइड डायरेक्शन। ये सी और डी है तो आपको लिखना है यहाँ पे स्टूडेंट टेंशन सी डी का, और ये स्टूडेंट डी और ई है तो यहाँ पे आपको लिखना है टेंशन डी ई का स्टूडेंट ऐसे। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, और ये जो एंगल है 30 डिग्री, सो यहाँ पे आपको देना है 30 डिग्री, और ये स्टैंडर्ड होता है स्टूडेंट 90 डिग्री, और ये भी होता है स्टूडेंट आपका 90 डिग्री। हमेशा याद रखे यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री होता है। सो स्टूडेंट ये जो टोटल हो जाएगा स्टूडेंट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल 90 + 30 हो जाएगा 120। ये तो आपको दिया हुआ ही है स्टूडेंट कितना है 90 डिग्री, और जो रिमेनिंग एंगल है स्टूडेंट, ये रिमेनिंग एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो आपको अगर दो एंगल पता होगे और आपको आखिरी एंगल फाइंड करना है तो आपको बस इतना ही करना है कि 360 लेना है, 360 हमेशा माइनस करके 90 लेना है, देन माइनस करके आपको 120 लेना है स्टूडेंट। तो ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया तो आपको ये एंगल मिलेगा स्टूडेंट 150। तो ऐसे आप स्टूडेंट रिमेनिंग एंगल फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट। अब मैं ऐसा मैंने आपको प्रोसीजर करके क्यों दिखाया स्टूडेंट, क्योंकि हम अब यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। कौन सा थ्योरम स्टूडेंट, लैमिस थ्योरम, और लैमिस थ्योरम का कंडीशन होता है स्टूडेंट देखिए, पहला कंडीशन होता है लैमिस थ्योरम का, ये मैं आपको रब बता रहा हूँ कि दिए हुए डायग्राम में तीन फोर्सेस होने चाहिए। कितने फोर्सेस, तीन। तो यहाँ पे तीन फोर्सेस है देखिए, एक दो और तीन, तीनों की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। देखिए इसका भी डायरेक्शन बाहर की साइड में, इसका भी डायरेक्शन बाहर की साइड में, इसका भी डायरेक्शन बाहर की साइड, सो तीनों का डायरेक्शन आउटसाइड में स्टूडेंट, और तीनों के एंगल आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट। सो इसका और इसका एंगल आपको पता है, इसका और इसका भी एंगल आपको पता है, इसका और इसका भी आपको एंगल पता है, तभी आप लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट। तो यहाँ पे लैमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो अब हम यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहला फोर्स क्या है स्टूडेंट, टी डी ई, दूसरा फोर्स है स्टूडेंट टी सी डी, और तीसरा फोर्स है स्टूडेंट 196.2 न्यूटन स्टूडेंट। और तीनों के अपॉन पे आपको लिख देना है स्टूडेंट साइन, यहाँ पे भी आपको लिख देना है साइन, यहाँ पे भी लिख देना है आपको साइन। टीडीई के अपोजिट में स्टूडेंट 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखना है 90 डिग्री, देन आपको टीसीडी के अपोजिट में स्टूडेंट 120, तो यहाँ पे लिख देना है 120, और 196.2 के अपोजिट में स्टूडेंट 150, तो यहाँ पे लिख देना है 150।
सो शॉर्टली बताता हूँ स्टूडेंट, में लेमिस थ्योरम में आपको करना क्या है, तो तीनों फोर्सेस आपको लिख देने ऊपर, देन आपको तीनों के अपॉन पे लिखना है साइन साइन साइन, और टीडी के अपोजिट है 90 तो 90, टीसीडी के अपोजिट है 120 तो 120, और 196.2 के अपोजिट है 150। अब हम स्टूडेंट टीडी और टीसीडी फाइंड करेंगे। सो टीडी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए, सो टीडी का जो रेशियो है वो हम लेंगे साइन 90, दो ही रेशियो हम कंसिडर कर सकते, और एक ही रेशियो हम कंसिडर करेंगे स्टूडेंट 196.2 अपॉन साइन 150 का। सो लेमिस थ्योरम में हम दो रेशियो कंसिडर कर सकते, पहला रेशियो और ये दूसरा रेशियो, ये दो रेशियो मैंने कंसिडर किए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, सो ये टी डी एज इट इज, टी डी एज इट इज, और इक्वल टू करके 196.2 अपॉन ये साइन 150 एज इट इज, और ये साइन 90 यहाँ पे डिवाइड पे इक्वल्स टू के इस साइड अटैक होगा वो मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन 90। सो ये अगर आपने कैलसीपे किया देखिए ना, साइन 90 यहाँ पे डिवाइड पे इक्वल्स टू के इस साइड अटैक होगा वो मल्टीप्लाई, ये अगर आपने कैलसीपे किया तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट टीडीई का 392.4 न्यूटन। सो स्टूडेंट अब मैं टीसीडी फाइंड करूंगा टेंशन सी और डी का, तो देखिए यहाँ पे वो रेशियो मैं कंसिडर करूंगा जिसे मुझे फाइंड करना है, टीसीडी अपॉन साइन 120, और दूसरा रेशियो ये कंसिडर करूंगा मैं 196.2 अपॉन साइन 150। तो देखिए यहाँ पे टीसीडी एज इट इज, टीसीडी एज इट इज, और 196.2 अपॉन साइन 150 पे एज इट इज ये भी, सो ये साइन 120 यहाँ पे डिवाइड पे इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे साइन 120, ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया स्टूडेंट, ये कैलसी पे, तो आपको मिलेगा स्टूडेंट आंसर 339.82 न्यूटन, न्यूटन यूनिट है ये, यहाँ पे साइन 120 डिवाइड पे इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा वो मल्टीप्लाई, ये साइन 120 इक्वल्स टू के इस साइड होगा मल्टीप्लाई, तो ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपका आंसर मिलेगा 339.82 न्यूटन। सो देखिए स्टूडेंट आपने इस सेगमेंट का आपने टेंशन फाइंड किया डीई का और सी और डी का, इसका और इसका, इन दोनों सेगमेंट का आपने अभी टेंशन फाइंड कर लिया। अब रह गया स्टूडेंट ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, तो देखिए दोनों सेगमेंट पॉइंट सी पे कनेक्टेड स्टूडेंट, दोनों सेगमेंट पॉइंट सी पे कनेक्टेड, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेप टू, स्टेप टू, सो जो भी है आपका एट पॉइंट सी, सो देखिए पॉइंट सी यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट सी, तो सी को कनेक्टेड डी, तो देखिए यहाँ पे मैं सी को कनेक्टेड डी, ये डी है स्टूडेंट, तो आपको ये सी लिख देता हूँ। सो मैं इस सेगमेंट का टेंशन शो करूंगा बाहर की साइड में, और यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट सी डी ए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी डी, टी सी डी, राइट। देन यहाँ पे एक और एरो जाता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे एक और लाइन जाते है सी और ए यहाँ पे, सो इसका भी मैं यहाँ पे आउटसाइड में डायरेक्शन दूंगा टी ए सी नाम दूंगा, और यहाँ से लेकर बी तक भी एक लाइन जाती है स्टूडेंट, यहाँ से लेकर बी तक भी एक लाइन जाती है, तो इसका भी डायरेक्शन में आउटसाइड में ही दूंगा क्योंकि टेंशन हम आउटसाइड में शो करते केबल का, तो ये बी सी है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टी बी सी। सो स्टूडेंट यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, तो ये जो पॉइंट जहाँ पे कनेक्ट है उस पॉइंट का है एंगल भी वही होता है स्टूडेंट 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है स्टूडेंट, तो ये जो पॉइंट है जिसे कनेक्ट है उसका भी ये एंगल, यहाँ पे जो एंगल है वही होता है 45 डिग्री। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये भी आपका हो जाएगा 45 स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर 45 आएगा तो यहाँ पे आपको देना है 45। मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ स्टूडेंट, राइट, हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, अब आपको यहाँ पे एक स्लोप दिया हुआ है स्टूडेंट, स्लोप दिया हुआ है, तो ये स्लोप हमें, इसका अगर हमने एंगल फाइंड कर लिया, इसका अगर हमने एंगल फाइंड कर लिया स्टूडेंट, ये एंगल, तो इस एंगल को मैं एज्यूम करता हूँ स्टूडेंट थीटा, ये एंगल, राइट। सो देखिए यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू, थीटा इक्वल्स टू, अगर मैंने साइन इनवर्स लिया स्टूडेंट, साइन इनवर्स लिया, तो आपको साइन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, और साइन का डेफिनेशन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन का डेफिनेशन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये जो थीटा एंगल है इसका अपोजिट कितना है 4, और इसका जो हाइपोटेनियस है ये आपका 5, ध्यान में रखिए,
देखिए यहाँ पे मुझे थीटा, इस स्लोप का थीटा एंगल फाइंड करना है थीटा, तो थीटा फाइंड करने के लिए मैंने लिया साइन इनवर्स। तो साइन का डेफिनेशन होता है कि ये जो यहाँ पे देखिए ये साइड होते है आपकी अपोजिट, इस साइड को कहते हैं आप हाइपोटेनियस, और साइन का डेफिनेशन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये ध्यान में रखिए। तो अपोजिट कितना है इसका, थीटा का अपोजिट कितना है 4, तो इसीलिए 4 लिया। हाइपोटेनियस कितना, हाइपोटेनियस 5 है, सो साइन इनवर्स 4/5, सो आपने किया तो ये एंगल आएगा आपको 53.13 स्टूडेंट, 53.13 डिग्री। सो ये एंगल मिल गया स्टूडेंट्स आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का 53.13 डिग्री, राइट 53.13 डिग्री। सो अब आप देखिए स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल कितना हुआ स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सो टोटल एंगल हुआ स्टूडेंट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 98.13 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल हो जाएगा 98.13 डिग्री। और स्टूडेंट आपको पता ही है कि यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है 90 डिग्री, राइट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना होगा स्टूडेंट 90, ये भी कितना होता है यहाँ से लेकर 90, मगर यहाँ पे कितना है स्टूडेंट 45, तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 45, ध्यान में रखे ये 45 है स्टूडेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए ये भी हो जाएगा 45, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना होता है 90, तो ये अगर 45 है तो रिमेनिंग कितना बचेगा 45, और यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक अगर एंगल फाइंड किया 45 + 90 ये हो जाएगा 135, ध्यान में रखिए यहाँ से लेकर आपका एंगल होता है 90 और यहाँ से लेकर भी होता है 90, मगर ये 45 है तो ये हो जाएगा 45, तो 45 + 90 हो जाएगा 135, और रिमेनिंग एंगल आप कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट, मैंने बताया रिमेनिंग एंगल आप कैसे फाइंड करोगे, तो मैं रफ इसमें आपको बताता हूँ। ये आपको अगर दो एंगल अगर आपको पता होगे तो आप देखिए यहाँ पे मैं रब करके देता हूँ, 360 लेना है आपको, 360 लेना है माइनस कितना है 135, 360 माइनस 135 माइनस ये कितना है 98.13, ये रब कर लेना है आपको 98.13, ये अगर आपने कैलसीपी किया स्टूडेंट, कैलसीपी किया तो आपको मिलेगा स्टूडेंट 126.86, आपको एंगल मिलेगा 126.86। अगर दो एंगल पता है और तीसरा एंगल आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे 360 लोगे, 360 माइनस करके ये 135 माइनस करके ये करके आपको मिलेगा 126.86। अब हम यहाँ पे भी कितने आपको फोर्स मिले स्टूडेंट, 1, 2 और 3, तीन फोर्स है, तीनों के डायरेक्शन भारी है आउटसाइड में, मीन सेम ही है, और तीनों के एंगल आपको पता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय लेमिस थ्योरम, आप लोगे यहाँ पे लेमिस थ्योरम, क्योंकि लेमिस थ्योरम के कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। सो कौन कौन से फोर्स है देखिए यहाँ पे TCD, दूसरा कौन सा है TAC, TAC मीन्स टेंशन और फोर्स एक ही होता है, टेंशन TAC, और ये जो थर्ड है स्टूडेंट वो है आपका TBC, तो TBC तीनों के अपॉन पे आपको मैंने बोला है क्या लिखना है आपको, यहाँ पे साइन लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है साइन और यहाँ पे भी आपको लिखना है साइन। सो TCD का अपोजिट एंगल है, TCD का अपोजिट एंगल है 98.13, 98.13, TAC का अपोजिट एंगल है TAC का 135, तो यहाँ पे लिखना है 135, TBC का अपोजिट एंगल है, देखिए TBC का अपोजिट एंगल है 126.86, तो यहाँ पे लिखना है आपको 126.86, ओके स्टूडेंट ये 126.86। सो देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या सॉल्व करना है आपको, आपको TCD मिल गया है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे TCD कितना है आपका 339.82, तो TCD आपको मालूम है कितना है 339.82, ये आपको पता है TCD, तो आपको फाइंड करना है TAC मींस ये, और आपको फाइंड करना है TBC, TAC और TBC आपको फाइंड करना है, तो पहले मैं TAC ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे TAC अपॉन कितना है साइन 135, एक रेशो लिया मैंने क्योंकि मुझे TAC फाइंड करना है, और साथ में ये रेशो लूंगा मैं क्या यहाँ पे TCD अपॉन कितना है साइन 98.13, सो मुझे TAC फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पे
टीएसी एज इट इज, और टीसीडी मुझे पता है टीसीडी कितना है, 339.82, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 339.82। ये मालूम था मुझे टीसीडी, इसीलिए मैं ये रेशो लिया, इसीलिए मैंने ये रेशो लिया, ये टीसीडी मालूम था इसीलिए मैंने ये रेशो लिया इसके साथ। तो 339.82 अपॉन कितना है स्टूडेंट साइन 98.13, और ये यहाँ पे डिवाइड है साइन 135, यहाँ पे डिवाइड है इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा मल्टीप्लाई, सो साइन 135। ये अगर आपने कैलसी पे किया स्टूडेंट तो आपको टीएसी मिलेगा स्टूडेंट, टीएसी 242.72 न्यूटन। और मुझे अब टीबीसी फाइंड करना है, तो देखिए टीबीसी का रेशो लूंगा मैं साइन 126.86, और उसके साथ में ये टीसीडी वाला रेशो लूंगा टीसीडी अपॉन साइन 98.13। सो स्टूडेंट मुझे टीबीसी फाइंड करना है, तो टीबीसी एज इट इज ये टीसीडी, टीसीडी कितना है 339.82, सो 339.82 अपॉन पे ये साइन 98.13, साइन 98.13 और इनटू ये साइन 126.86 यहाँ पे डिवाइड है इक्वल्स टू के साइड आते तो मल्टीप्लाई साइन 126.86, ये यहाँ पे डिवाइड पे इक्वल्स टू के साइड आते तो होगा मल्टीप्लाई। ये अगर आपने कैलसी पे किया स्टूडेंट तो आपको टीबीसी मिलेगा स्टूडेंट, टीबीसी 274.65 न्यूटन। तो ये आपको मिल गया स्टूडेंट टीबीसी, ये आपको मिल गया स्टूडेंट टी ए सी, ये आपको मिल गया स्टूडेंट यहाँ पे टी सी डी, और ये आपको मिल गया स्टूडेंट यहाँ पे देखिए यहाँ पे टी डी ई। तो आपको ये फाइंड करना था डी ई का टेंशन मींस टी डी ई, देन आपको सी डी का सेगमेंट का आपको टेंशन फाइंड करना था मींस टी सी डी, आपको बी सी का सेगमेंट का टेंशन फाइंड करना था मतलब टी बी सी, और आपको इस सेगमेंट का भी टेंशन फाइंड करना था मतलब टी ए सी। तो टी ए सी, टी बी सी और टी डी और टी सी डी, ये चारों सेगमेंट हमने फाइंड कर लिए स्टूडेंट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।